हे गाइस, वेलकम टू कुकिंग खबीर। आज बनाएंगे चिकन चीज़ बॉल, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। मिनटों में बन जाने वाला स्नैक है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चले फिर वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं ये टेस्टी चिकन बॉल। तो इस चिकन बॉल को बनाने के लिए आपने कढ़ाई को अच्छे से गर्म करना है। इसमें डाल दें एक छोटा चम्मच तेल, इसको अच्छे से गर्म करें। फिर इसके अंदर हम डालेंगे एक छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इस पेस्ट को डालते ही आपने कवर करना है इसकी लिड, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने इसको कुछ सेकंड के लिए पकाना है, ठीक है। फिर हमने इसके कवर को हटाना है और इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि हमारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो अच्छे से पक सके। फिर इसके अंदर हमने डाल देना है दो हरी मिर्ची, जिसको इस तरीके से स्लाइड कट करके इसके अंदर डाला हुआ है। एक मिनट के लिए इसको चलाते हुए थोड़ा पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 250 ग्राम चिकन, और इसको डालते ही हमने थोड़ा इसको मिक्स करना है, और साथ ही में डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच नमक। यहाँ पर हमने नमक ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। इसको अच्छे से हमने सॉटे करना है, एंड देन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप पानी। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, और इसको चलाकर कवर करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे, ठीक है। 5 मिनट के बाद हमने इसके कवर को हटाना है, और अब हम इसको चलाते हुए ही बिल्कुल स्लो फ्लेम यहाँ रखना है, ठीक है। आपने यहाँ पे फ्लेम को मीडियम या हाई नहीं करना है, इससे क्या होगा कि हमारा चिकन जो है वो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। और अब आपने इसको चलाते हुए अच्छे से पकाना है जब तक कि हमारा जो चिकन के अंदर पानी है वो बिल्कुल सूख नहीं जाए और चिकन लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए। और बीच में आप इसको चेक भी कर लें कि आपका चिकन गला है कि नहीं। अगर चिकन नहीं गला हो तो वापस से आप इसके अंदर थोड़ा पानी डालें और इसको कवर करके फिर से 5 मिनट के लिए पका लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया, इसका पानी बिल्कुल सूख गया है, और जिसके अंदर तेल था उसमें हमारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, ठीक है। अब हमने चिकन को इसमें से निकालना है और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। जब तक हमारा चिकन ठंडा हो रहा है तब तक हम इस रेसिपी के दूसरे प्रोसेस को तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने लेना है 2 बन, या फिर यहाँ पर आप बन के जगह ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फिलहाल मेरे पास बन है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस बन को हमने फाइन चॉप करना है। यहाँ पर मैंने हैंड चॉपर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है। बन को हमने अच्छे से चॉप करके साइड में रख लेना है, और अब हमें चाहिए इसकी बाकी बाइंडिंग के लिए। मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप स्वीट कॉर्न है, जिसको बॉईल करके रखा हुआ है। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको इस तरीके से रफली कट किया है, और थोड़ा सा हरा धनिया लिया हुआ है। एक शिमला मिर्च है, जिसको रफली चॉप करके रखा है, और 2-3 लहसुन की कली हैं। इन सारी चीज़ों को हमने फाइन चॉप करना है, पर अभी हम स्वीट कॉर्न को नहीं करेंगे, ठीक है। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेंगे, फिर स्वीट कॉर्न को डालेंगे, उसको चॉप करेंगे। अगर हम पहले ही स्वीट कॉर्न को साथ ही में इसके चॉप करेंगे तो स्वीट कॉर्न जो हमारा वो बहुत ज़्यादा चॉप हो जाएगा और उसका फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए इसको बाद में डालकर हमने थोड़ी देर के लिए चॉप किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वेजीज़ भी जो है वो फाइन चॉप होकर रेडी हो गई हैं। अब हमारा चिकन भी वो ठंडा हो चुका है, इसमें जो छोटी मोटी बोन्स रह गई हैं उसको हमने इसमें से निकाल देना है, और चिकन के पीसेस को भी रफली चॉप कर लेना है, और फिर हमने इसको चॉपर में डाल के फाइन चॉप करना है, ठीक है। और अब इसी प्लेट में हमने इस फाइन चॉप किए हुए चिकन को निकालना है, और साथ ही में हम डालेंगे इसमें 1 कप बॉयल्ड पोटैटो, ठीक है, जिसको अच्छे से मैश करके यूज़ किया हुआ है। साथ ही में हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच नमक, और खूब सारा मोज़रेला चीज़, ठीक है। जितनी आपको चीज़ चाहिए आप उतनी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब सिंपली आपने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, और फिर हमने हाथ में अपने लगाना है थोड़ा सा तेल, और इस मिक्सचर का छोटा छोटा बॉल रेडी करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी जूसी बॉल्स जो है वो रेडी हो गई है। अब इस बॉल को क्रिस्पी करने के लिए आपने लेना है 1/2 कप मैदा, इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, ठीक है, इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है जो बन, जिसको हमने अभी फाइन चॉप किया हुआ था, इसके अंदर हमने डाल देना है 1/2 छोटा चम्मच नमक, और 1/2 छोटा चम्मच है चिली फ्लेक्स, और 3 बड़ा चम्मच इसके अंदर डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट, ठीक है। इसको डालकर आपने अच्छे से मिक्स कर देना है, और जो यहाँ पर हमारा मैदे वाला था पाउडर, इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, और इसको बिल्कुल थिन पेस्ट की तरह बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इस तरीके से थिन पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इस बॉल को पहले इस पेस्ट में डालना है, इस पेस्ट को अच्छे से बॉल के ऊपर कोट करना है, फिर इस बन वाले मिक्सचर में डाल के इसको अच्छे से इसके ऊपर कोट करना है। इसी तरीके से हमने सारी बॉल्स को रेडी कर लेना है, ठीक है। और अब आपने जो है तेल को अच्छे से गर्म करना है। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हमने एक एक करके इसके अंदर ये रेडी की हुई बॉल्स को डालना है। उसको डीप फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर,
जब ये बॉल इस तरीके से गोल्डन हो जाए तब आपने इसको तेल में से निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी चिकन चीज़ बॉल रेडी हो गया है। अब आपने इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। बहुत ही टेस्टी है, आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये टेस्टी इजी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।